हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज की कॉल हिस्ट्री कैसे निकलते हैं। कोई भी सिम हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, जियो हो या वोडाफोन हो या कोई भी सिम हो, किसी भी सिम की कॉल हिस्ट्री कैसे निकलते हैं आज इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ADLNMAN, इस सामने उसे दबा लें और फिर बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसे दबा लें। दोस्तों, कॉल हिस्ट्री निकालने की जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हजारों वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर कॉल हिस्ट्री निकाल लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसकी सच्चाई ये होती है, एक्चुअली ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी कॉल हिस्ट्री या किसी भी सिम की कॉल हिस्ट्री आसानी से निकाल दें। क्योंकि किसी भी सिम की कॉल हिस्ट्री निकालना इतना आसान नहीं होता है, ये अलाउ नहीं करता है, रूल्स अलाउ नहीं करता है। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो परमिशन मांगते हैं और वो परमिशन मांग कर आपकी कॉल हिस्ट्री तो निकाल देंगे, लेकिन सिर्फ उसी फ़ोन की कॉल हिस्ट्री निकालेंगे जिस फ़ोन पे वो सिम मौजूद होगी, अर्थात जिसमें OTP आएगा और वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके लिए आपको एक जीमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, तो वो जीमेल आईडी में कॉल हिस्ट्री भेज देते हैं। लेकिन वो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, हालांकि गूगल प्ले स्टोर पे ऐसे एप्लीकेशन नहीं है, एक एप्लीकेशन है मोबाइल जिसके आधार पर कॉल हिस्ट्री निकालने की बात की जाती है, लेकिन वो एप्लीकेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। आप उसे डाउनलोड ना करें, क्योंकि बहुत सारे वो पहली बात तो उसको डाउनलोड करो, इसके बाद बहुत सारे वो अलाउ मांगता है, परमिशन मांगता है, कहीं आपके कॉन्टैक्ट को परमिशन मांगता है या फिर आपके मैसेज को परमिशन मांगता है, लाइव लोकेशन की परमिशन मांगता है, तो बहुत सारी ऐसी परमिशन हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं, हानिकारक हो सकते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर किस काम का? अब रियल में कॉल हिस्ट्री कैसे निकालें उसके बारे में, तो मैं दोस्तों आपसे सिर्फ एक ही बात पहले कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी फ्रॉड काम पे ना पड़े, ऐसे कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें। खासकर आप गूगल प्ले स्टोर का यूज करें, तो प्ले स्टोर में मौजूद है वो एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बाहर से जो वेबसाइट हैं या बहुत सारे ऐसे अन्य सॉफ्टवेयर स्टोर हैं, जैसे हमारे स्टोर है या बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं, वहाँ से जो गूगल प्रोटेक्ट का ऑप्शन होता है वो नहीं मिलता है, तो उसे डाउनलोड ना करें क्योंकि आपके डाटा चुरा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी ऐसे फ्रॉड काम पे ना पड़ें, ऐसे झूठ मूठ की एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें। अगर आपको कॉल हिस्ट्री निकालना है तो उसके लिए आपको अगर एयरटेल के नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालना है तो आप एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, आप गूगल पे सर्च करें एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे आ जाएगी। एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करें और वहाँ पे कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन सेलेक्ट करें, आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में आपको वहाँ से कॉल हिस्ट्री भेज दी जाएगी। आइडिया का है, सेम आइडिया का, आइडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, रजिस्टर करें और रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से आप अपना नंबर चूज करें और कॉल हिस्ट्री के लिए एक जीमेल आईडी चूज करें और वहां से भेज दी जाएगी। लेकिन ये जो कंपनियां हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर आपको कॉल हिस्ट्री प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन अगर इसके अलावा आप और कोई शॉर्टकट रास्ता निकालने की कोशिश करोगे कि कोई एप्लीकेशन कॉल हिस्ट्री दे दे, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सिम की कॉल हिस्ट्री निकालना है तो वो सिम कौन सी है, जियो की है, वोडाफोन की है, आइडिया की है, एयरटेल की है, और जिस जो भी सिम है उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, रजिस्ट्रेशन करें और बस वहाँ पे कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन सिलेक्ट करें, और कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जीमेल आईडी मांगेगा, जीमेल आईडी अपने फिल कर दें, नंबर वेरीफाई होगा आपका, और बस वहाँ से आपकी कॉल हिस्ट्री आ जाएगी। एक मंथ की लेना है, 15 दिन की लेना है, या फिर उससे ज़्यादा की लेना है, वहाँ से आ जाएगी। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब था कि आप ऐसा कोई भी फ्रॉड काम या फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में ना पड़ें जो गूगल प्ले स्टोर पे या बहुत सारे ऐसी वेबसाइटों पे पड़े हैं सॉफ्टवेयर जो दावा करते हैं कि आपकी कॉल हिस्ट्री निकाल देंगे।
लेकिन कुछ हद तक वो सही भी होते हैं, लेकिन ये सच है दोस्तों, सच है। आप मेरा वीडियो नहीं, आप बहुत वीडियो देखें कि वो आपका कई गुना बहुत यूजफुल डाटा आपका चोरी कर लेते हैं, आपका मोबाइल भी वो हैक कर सकते हैं, आपका डाटा चुरा कर दूसरी जगह बेच सकते हैं।